हम सोचे कि हम थोड़ी देर सो सकते हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक छोटा बच्चा आपको कभी नहीं सोने देता। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज से 12 हो गई है पूरे 2 महीने की। 30 अगस्त को वो हुई थी और आज है 30 अक्टूबर। मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम बहुत जल्दी चला गया, बिकॉज़ टाइम बहुत धीरे धीरे गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तो ये व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं विशाली ने स्टार्ट किया कि नहीं किया क्योंकि मैं सुबह उठा था मेरे ख्याल से 12 या 12:30 बजे। उसके बाद फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह करा और फिर से सो गया भाई। और मैं अब उठा हूँ शाम को 5:30 बजे। इतनी ज़्यादा थकान लग रही है, पता नहीं क्यों। वो भी विशाली ने उठाया, तब जाके उठाऊँ मैं। तो पता नहीं आज का व्लॉग कैसा होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सी। प्लीज़ आज तो देख लेना आप लोग। और जहाँ मैं वहाँ ऑस्टू, ये हमेशा मेरे आसपास ही बैठता है, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। सोया भी मेरे साथ ही है। शाम का टाइम है और सिवानो यहाँ पे झूला झूल रही है। और ये जो है ये बास्केट, ये फर्स्ट क्राई से आप ऑर्डर कर सकते हो। सिवाना को तो गिफ्टेड है ये। हाँ, देख रही देख रही है। मम्मा को देखो, मम्मा कहाँ गई? और चौबी चौथा बच्चा हूँ मैं, अभी मैं चौथा बच्चा हूँ, चौथा बच्चा हूँ, चौथा बच्चा हूँ, चौथा बच्चा हूँ, अभी चौथा बच्चा हूँ। आइसक्रीम पूरी दे रहा ना मेरी? ठीक है। ये क्या करके आया तो मुंह का पेशाब बहुत गंदा लग रहा है। आयरन मैन 4 बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? मुझे करना था। किचन में ना बीन्स कट रही है और ये भूखा वहाँ खड़ा हो गया जाके। आप खुद ही काट रहे हो क्या? मैं तो प्याज कटा रही थी, वो देखो आ गया आपके पास लेने। मैं प्याज काटती हूँ, मुझे दोबारा मांग। लग रही है भूख और मेरा ने यहाँ मंगाई अपने लिए पैटी। मेरी अभी तक नींद नहीं खुली क्योंकि विशाली ने चाय बना के दी थी नींद खोलने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीनी थी तो मैंने पी नहीं। सिवाना का आज सेकेंड मंथ बर्थडे है और जो हमने से जिम वो दिया ना प्ले जिम, उसको आ देना चाहिए था यार। गलती कर दी और अभी भी हम उसको डाला था ना, इतना गंदा थकिए सो गई। हाँ तो सो ही रही है, थोड़ी देर आज लगी उससे एक साथ खेलने, वरना 2 दिन से रो रही थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिवाना की माँ मुझे इशारे दे रही है कि सेकंड मंथ आज हुआ है तो आज कुछ और देना चाहिए हमें इसको। देखते हैं, वो अभी हम बाहर जाएंगे तो वो तब देखेंगे। मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने और मैंने बस ये पजामा पहना और मम्मी पहचान दे रही कि ये बेकार लग रहा है पजामा, ये पहन ले। और ये ग्रे कहाँ चलेगा मम्मी, ग्रीन पे ग्रीन तो चल रहा है। ये पहन ले, इतना अच्छा है, ये पहन लेते हैं। मेरे देख लेना तू, चलो ये पहन लेते। तो मैं और विशाली अभी जा रहे हैं बाहर कहीं कुछ सामान वगैरह लेने और शायद कुछ खाने के लिए भी। मोस्टली तो उसके सिवाना के डायपर्स वगैरह ही लेने हैं हमने। स्कूटी पर ही हूँ मैं और अब ये पता नहीं क्या कपड़े चेंज कर रही, क्या कर रही, इतना गंदा सड़ा हुआ पजामा पहन के आ रही थी ना, इसको कोई सेंस ही नहीं है भाई। पूरे 25 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। क्या पहन के आ रही थी तू? चलो मैं बताती हूँ, तो कुछ नहीं था, इनकी वजह से लेट हुई हूँ। तो आ गए सर्कल मार्ट, मार्ट इसके डायपर चेक करने के लिए। जहाँ पर ऑफर मिल रहा होगा, जहाँ पर डिस्काउंट होगा वहीं से लेंगे, ठीक है? नो महंगा सामान। एक चीज लेने आई और पूरे टोकरे। अच्छा, किसने बोला पानी पूरी? अच्छा भाई, मतलब मेरी लंका है आज भाई। भाई ऐसी दुकानों पे आके ना मन नहीं करता वापस जाने का, मन करता सब हर इससे शेल्फ से एक चीज उठाने का मन करता ना। डोसा बनाए? हाँ बना ले।
देख ले जो भी ठीक लग रहा है। अपनी मतलब की चीजें दिख गई है, सब खाना पीना छोड़ के सीधा यहाँ पहुँच गई। शिवाना के बाल इतने बड़े हैं नहीं अभी, यहाँ पर ना 5% का डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ। और एक जगह मतलब जहाँ हम जाते हैं राज मंदिर, और इसने ना सामान भरना शुरू कर दिया था, फिर मैंने इसको बोला भाई चेक कर लेते हैं, अगर डाइपर पे डिस्काउंट होगा तभी लेंगे। फाइनली हम यहाँ आए क्योंकि यहाँ ऑफर बहुत मिलते हैं, सही कह रहा है। हाँ, हर चीज पे डिस्काउंट और ऑफर मिलता है। चलो, और तेरे को मैं यहाँ से क्रॉस करते हुए पहले ही बोल रहा था यहीं चलते हैं, तुम बोले नहीं यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ भीड़ होगी, कहीं और चलते। खुश होंगे, दुख हो रहा है, ज़्यादा खर्चा होगा। सो फाइनली हमें मिल गया बेबी हग का डायपर, और यहाँ पे हमें 40% ऑफ मिला, तो फाइनली आई वॉज हैप्पी। और ये खड़े हैं ये लोग, और हनी जा रहा है घर वापस वॉशरूम को लेके। बहुत दिन से बेडशीट चेंज नहीं करी थी, तो मम्मी ने मुझे कहा था कि सुबह बहुत लेट हो जाता है, ऑलरेडी बहुत काम होता है, तो तू रात को चेंज कर दे, और मैं वही कर रही थी। गाइस कल मैं लॉग इन करना भूल गई थी, इसलिए अभी कर रही हूँ। बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।